नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। वास्तु शास्त्र में कई चीज़ों का जिक्र किया गया है जो घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का काम करती है। घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कई चीज़ें सुझाई गई हैं। इनमें से एक है गुलाबी फिटकरी। सफ़ेद फिटकरी से अलग गुलाबी फिटकरी भी वास्तु में बहुत चमत्कारी चीज़ के रूप में इस्तेमाल हो जाती है। वास्तु के जानकारों का मानना है कि गुलाबी फिटकरी घर में बढ़ रही नेगेटिव एनर्जी को जड़ से ख़त्म कर देती है। इतना ही नहीं, इसके उपायों से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। आइए जानते हैं घर में गुलाबी फिटकरी के इन उपायों के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में सास बहू के बीच जरा भी नहीं बनती, रिश्तों में तनाव बना रहता है, तो घर के सब लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं अगर बाप बेटे के बीच भी लड़ाई झगड़े रहते हैं तो परिवार में कलह मची रहती है, तो गुलाबी फिटकरी का उपाय इसके लिए बहुत कारगर होता है। ऐसे में बिगड़ते रिश्तों को सुधारने और मिठास बनाए रखने के लिए घर में लिविंग रूम में एक कोने में किसी बर्तन में गुलाबी फिटकरी को छुपाकर रखने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। इसके परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वभाव अच्छा होगा और घर में हो रही लड़ाई झगड़ों से छुटकारा मिलेगा। मानसिक शांति और तनाव से बचने के लिए गुलाबी फिटकरी का ये उपाय बहुत कारगर है। घर में घुसते ही अगर आपको तनाव महसूस होता है तो मुख्य द्वार पर पीछे की तरफ गुलाबी फिटकरी रखते, इससे तनाव कम हो जाएगा। अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद है या फिर तनाव के चलते नींद नहीं आती तो बेडरूम में गुलाबी फिटकरी रख दे, ये तनाव और नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इससे घर परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं। कहते हैं कि जिन लोगों को बार बार बुरी नज़र लगती है उन्हें भी नियमित रूप से गुलाबी फिटकरी का फेर करना चाहिए। गुलाबी फिटकरी लेकर नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से 2 से 3 बार घुमा दें और बाहर फेंक दें। कहते हैं कि इससे बुरी नज़र उतर जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।